छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर ला देखे बर देखत रहो आरजी न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाए बर झन भूला हो। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है बेमेतरा से, जहां नवागढ़ सीएमओ यमन दिवांगन पर लोगों ने सरकारी निवास में महिला लाने का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर बता रहे आपको, सरकारी निवास में महिला लाने का लोगों ने आरोप लगाया है। सरकारी निवास के सामने लोगों ने जमकर हंगामा किया है। आधी रात भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी। इस पर कलेक्टर शिव अनंत तायल ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच के बाद कार्रवाई की बात की है। तो ये बड़ी खबर बता रहे आपको, नवागढ़ सीएमओ यमन दिवांगन पर लोगों ने सरकारी निवास में महिला लाने का आरोप लगाया है। लोगों ने सरकारी निवास के सामने जमकर हंगामा किया है। आधी रात भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी। कलेक्टर शिव अनंत तायल इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच के बाद कार्रवाई की बात की है। अभी जानकारी मिली है नवागढ़ में जो सीएमओ है, रात को कुछ उनके जो कृत्य उनके कारण लोगों में आक्रोश था, तो हमने उसकी रिपोर्ट मंगवाई है स्थानीय एसडीएम और पुलिस के माध्यम से। और जैसा कि रिपोर्ट में प्रस्तावित होता है, यदि प्रथम दृष्टया उनका इसमें कुछ उनकी तरफ से गलती पाई जाती है, तो फिर हम कार्रवाई के लिए आगे विभाग को लिखेंगे। यमन देवांगन सीएमओ पदस्थ है और इनका निवास वही बस स्टैंड रोड में इनका शासकीय आवास है। वहाँ काफ़ी भीड़ थी और ये शंकर नगर के निवासियों ने एक लिखित आवेदन दिया है कि ये वहाँ शराबखोरी और अय्याशी करते हैं और किसी मोहन नामक व्यक्ति से मारपीट भी किया है। तो कार्रवाई करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। सर, जिले में धारा 144 लागू है, चार घंटे से वहाँ हंगामा हो रहा था, भीड़ कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे आप लोग, कैसी पुलिसिंग हो रही है? नहीं, वहाँ ये भीड़ का ये मांग था कि सीएमओ को बाहर निकालो करके, तो सीएमओ अपने आवास में अंदर से ताला लगा के बंद कर लिए थे। फिर उसको समझा के और यहाँ लाया गया है, आवेदन दिया गया है ग्रामवासियों द्वारा, उसमें जिससे वैधानिक कार्रवाई जो बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। लोगों का आरोप है कि राज्य जो सत्ताधारी दल की उसमें पुलिस जान नहीं देती, जब मीडिया वाले आए उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची है। नहीं, ऐसा नहीं है, पुलिस वहाँ पहुँची है और लेके आ गई है सीएमओ को। अभी क्या स्थिति है सर, अभी क्या कर रहे हैं? अभी इसमें आवेदन पर जाँच करके कार्रवाई करेंगे।